हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू गाइज आर सेफ एंड डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर नहीं करने वाली हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अरेंज करूँगी मेरा बैकग्राउंड। सो अभी जो आप लोग मेरा बैकग्राउंड देख रहे हो बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, एंड आप लोगों ने भी मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं अपना बैकग्राउंड चेंज करूं, एंड मुझे भी लगा कि हाँ काफ़ी टाइम हो चुका है सो आई शुड चेंज दिस बैकग्राउंड। सो मैंने कुछ दूसरी चीज़ें मंगाई अपने बैकग्राउंड के लिए, एंड ये वाला बैकग्राउंड आपको आज लास्ट टाइम देखने मिल रहा है, तो आप अच्छे से देख लीजिए एंड इसके बाद आपको मेरा न्यू वाला बैकग्राउंड देखने मिलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज, इट वुड बी इन अलाउड टू मी। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। अभी मैंने क्या सोचा है कि ये जो बेड है वो मैं निकाल दूँगी बाहर, क्योंकि इस ये जो बेड है ना वो बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेता है, उसके कारण ना मुझे शूट करने में बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड फील होता है। दैट्स वाई मैं सोच रही हूँ कि इस बेड को मैं बाहर कर दूँगी, एंड तो मुझे बहुत सारी स्पेस मिल जाएगी फॉर माई शूटिंग एरिया। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल बैकग्राउंड प्रोडक्ट, सो सबसे पहले ये मैंने लिया है। सो ये एक पफी सा, क्या बोल सकते हैं हम इसे, जो भी बोलते हो। सो ये मैंने लिया है, बहुत लोगों के मैंने बैकग्राउंड में देखा था तो ये लिया है। एंड देन फिर मैंने लिया है ये नियॉन लाइट जिसमें लिखा है लव, एंड इससे आप ऐसे हैंग भी कर सकते हो बट मैं रखने वाली हूँ। सो ये, एंड थर्ड वन इज़ दिस, ये मैंने लिया है, प्लांटर है बट मुझे एक्सपेक्टेड साइज से ना थोड़ा सा स्मॉल रिसीव हुआ है, बट इट्स ओके, हम इसे कैसे ही वर्क कर लेंगे। सो ये एंड दिस लाइट। सो अभी ना कैंडल्स आना बाकी हैं एंड एक ट्रे, तो वो वाला बैकग्राउंड मैं तब रखूँगी जब मैं कोई स्किन केयर वाली वीडियो कर रही हूँ, ऐसी जो थोड़ा सा रिलैक्सिंग वाली वीडियो होगी तो उसमें वो वाला मैं रखने वाली हूँ। सो आई एम थिंकिंग कि अभी इसे अरेंज करते हैं देन जब वो आएगी तो मैं इस क्लिप में, अगर ये वीडियो उससे पहले चली जाती है तो मैं इसे ऐड कर दूँगी वो, एंड अगर नहीं जाती है तो इट्स ओके, आप मेरे बैकग्राउंड में तो देख ही लोगे उसे बाद में, सिर्फ इसके ऊपर रखने वाली हूँ मैं वो। तो चलो लेट्स अरेंज दी बैकग्राउंड। गाइस अभी आप देखो कि मैं अपना बैकग्राउंड कैसे अरेंज कर रही हूँ। प्लीज़ इग्नोर दी क्या बोलते हैं फ्लोर, क्योंकि अभी मैंने वहाँ पे के लिए कुछ नहीं सोचा है, क्योंकि फ्लोर तो वीडियो में आएगा नहीं, एंड मैं डेफिनेटली दीपावली तक अपना जो फ्लोर है उससे भी उसमें भी मैट वैट वगैरह बिछवा लूँगी तो भी सही लगने लगेगा, बट अभी के लिए मैं सिर्फ अपना बैकग्राउंड अरेंज कर रही हूँ। तो लेट्स गो। सो गाइज, दिस इज़ दी इंडोर प्लांट जो मैं अपने बैकग्राउंड में रखने के लिए लेकर आई हूँ, एंड ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। इसमें आपको ज़्यादा पानी देने की या फिर धूप देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इंडोर प्लांट है तो आप इसे इंडोर रख सकते हैं, एंड ज़्यादा पानी ना भी देंगे तो चलेगा, बस इसमें थोड़ा सा नमी रहनी चाहिए, दैट्स इट। सो अभी मैं इसे अपने बैकग्राउंड में लगाने वाली हूँ। तो ये रहेगा कुछ ऐसे, बहुत ही क्यूट लग रहा है यार, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि इसके लीव्स में ना थोड़ा सा धूल जम चुकी है तो मुझे उसे साफ करना पड़ेगा।
अभी मैं ये वाली लाइट है जो वो लगाने वाली हूँ प्लांट के अराउंड। सो ये वाली लाइट लगाते हैं, एक मिनट में आपको दिखा देती हूँ पहले कैसी लगती। ऐसी बहुत प्यारी लगेगी इसके अगर प्लांट में लग जाएगी ना, तो चलो करते हैं। So guys, this will be my background. Yay! कितना प्यारा लग रहा है ना।